ये थोड़ा ये गाड़ी की रेस करने आज ये दोनों गाड़ियाँ देखो बराबर खड़ी है, बिल्कुल एग्जैक्ट आया, दोनों गाड़ियाँ बराबर खड़ी है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम क्रेटा पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड टॉप मॉडल और टाटा नेक्सॉन XMS पेट्रोल टर्बोचार्ज दोनों के बीच में रेस। लंबी रेस नहीं होगी, छोटी रेस होगी, सीधी रोड के ऊपर होगी। और इस गाड़ी के अंदर कनेक्शन के अंदर कर दिया मैंने स्पोर्ट्स मोड, उसके अंदर भी कर दिया मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल मोड को ऑन, क्योंकि नेक्सॉन के अंदर ऑन ही रहता, ऑफ करने का ऑप्शन है नहीं हमारे पास में, क्यों नहीं है। तो हमारे कैमरामैन को भेज देते हैं उधर, तो रेस होगी उस पेड़ तक, छाया तक, उस छाया में जाकर, उस छाया तक रहेगी रेस, छाया में तो पेड़ जो है सूखा था, तो वो कैमरा में जाओ वहाँ पे, हम पीछे से लेके आते हैं गाड़ी। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर लेना, हाँ ऑन, उसमें ऑफ होता, ऑफ नहीं होता है गाड़ी में, दोनों सेम रहना। तो यहाँ पे नेक्सॉन जीते हुए, तो हमको क्रेटा के अंदर पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड के अंदर पावर जो मिलती है वो मिलती है 113 HP, जबकि नेक्सॉन में हमको मिलती है 119 HP। तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा डिफरेंस वैसे ही है। अब क्योंकि वो नेचुरल एस्पिरेटेड है तो उसका मैंने क्रेटा में ये चीज़ देखी, क्रेटा का जो पेट्रोल के अंदर भी जो रिस्पॉन्स एक्सीलेटर रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। तो स्टार्टिंग का जो पिकअप है वो कोई लैग वगैरह नहीं आता, क्रेटा के अंदर बहुत स्मूथली पिकअप करती है और अच्छा पिकअप लेती है। तो स्टार्टिंग के अंदर आपने देखा होगा कि क्रेटा आगे थी, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो बता देता हूँ मैं, क्रेटा आगे थी पहले, पर नेक्सॉन के अंदर क्योंकि आगे होने का रीज़न ये भी है कि टर्बो जो है, टर्बो होने के कारण नेक्सॉन के अंदर टर्बो लैग है जो कि नहीं होना चाहिए, टर्बो लैग होने के कारण नेक्सॉन पीछे थी, फिर टर्बो जैसे किक इन करता है तो नेक्सॉन थोड़ी सी आगे जाती है क्रेटा से, जिसके अंदर दो तीन फैक्टर्स साथ में आते हैं, पावर टू वेट रेशियो जो कि हमारे नेक्सॉन के अंदर हमको बेटर मिल जाता है, तो नेक्सॉन का आगे होने का रीज़न भी हमको मिल जाता है। तो एक ये चीज़, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत माइनर चीज़ होती हैं जिनका फर्क आता है, हालांकि जो फील आता है नेक्सॉन में ज़्यादा आता है कि आपको नेक्सॉन बहुत तेज़ बग रही है, क्योंकि इसकी जो इंजन की नॉइज़ है बहुत ज़्यादा है 3 सिलेंडर के होने की वजह से, वही वहीं क्रेटा के अंदर वो स्मूथ आवाज़ आती है, इतनी ज़्यादा आपको अग्रेसिव आवाज़ भी लगती है, पर वो वाली चीज़ गंदी वाली चीज़ होती है वो नहीं मिलती, स्मूथली पिकअप लेती है और अच्छा पिकअप लेके और अच्छा आउटपुट मिल जाता है, जो कि आपको इतना फील नहीं होता पर आपको आउटपुट मिल रहा होता है। तो ये थी वीडियो, आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, और कुछ आपको वीडियो अच्छी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो, कुछ क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है जिसका आपको क्विक रिप्लाई चाहिए हो तो आप उनको इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसकी इंस्टाग्राम आई डी यहाँ पर दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, RCPC Rides। और बस इतना ही वीडियो, थैंक यू।